अस्सलाम वालेकुम भैया, आज हम बहरिया पैराडाइव के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। पैराडाइव का जो मार्केट जिस तरीके से प्रोजेक्ट को किया गया था, जिसमें ताजमहल, कार्निवाल, सेंट्रल पार्क, ओपन एस, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा इस तरह एडवर्टाइज किया गया था, और यही वजह कि इसकी प्राइसेस बहुत हाई रखी गई थी। 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की बात करते तो वो 60 लाख का था, हालांकि ओल्ड बीटी के में जो है 500 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट की प्राइस भी 50 लाख से कम थी। तो जब ये बाउंड्री वॉल आई और इलीगल लैंड आई, डिस्प्यूटेड एरिया आया, तो उसके बाद वो उसकी जो सारी रिप्यूट थी वो डिस्टर्ब हो गई। लोगों के बहुत सारे दायरे, लोगों के प्लॉट्स कट गए, पैराडाइज वो पैराडाइज ना रहा और उसकी रिप्यूट वो नहीं रही। लेकिन अब ऐसा ऐसा उसमें दोबारा स्टेबिलिटी आ रही है। हम उस पैराडाइज की बात कर रहे हैं जो बाउंड्री वॉल के अंदर है। 47 और 48 में इस वक्त विलाज बनना शुरू हो गए हैं। पैराडाइज के विलाज उनके ऊपर भी फुल फ्लज काम हो रहा है। 500 स्क्वायर यार्ड के विलाज जो बैरेट ने दिए, और इस वक्त फिनिशिंग का काम चल रहा है और बहुत अच्छी पेस से वहाँ पे काम हो रहा है। फिर इसी तरह प्रिसेंट 50 भी ऑलमोस्ट सारा डेवलप हो चुका है। प्रिसेंट 54 में सेंट्रल पार्क कम्प्लीट हो चुका है। वहाँ पे जो बैरिया टाउन ने अपार्टमेंट्स, सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स दिए, उनके ऊपर भी फुल फ्लेज काम हो रहा है। और जो जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि लोगों ने वहाँ पे खुद जाके विलाज बनाना शुरू कर दिए, एंड यूज़र आ गया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। और एक और बड़ी अभी एडिशन उसमें हुई है कि जो एक ब्रिज बनना था लंगी रिवर के ऊपर, पैराडाइज एवेन्यू के ऊपर, वो बहुत बड़ा ब्रिज था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो वो नहीं बना हुआ था। अभी बैरियर टॉम ने उस ब्रिज के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, और उस ब्रिज के बनने के बाद प्रिसेंट 50, 51 और सेंट्रल पार्क का एरिया जो 54% बनता है उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इससे पहले जब स्पेशली बारिश आती थी तो उस वक्त ज़ाहिर वो रास्ता बंद हो जाता था। अल्टरनेट तो डेफिनेटली बैरियर टॉम ने बनाया हुआ था, बट ये जो एक मेन एवेन्यू थी, मेन शाहरा थी, वो बंद हो जाती थी। तो इस वक्त अब एक और भी चीज़ बड़ी एडिशन अच्छी हुई है कि स्टेट बैंक ने अपने स्टाफ के लिए प्रिसेंट 47 और 48 को अप्रूव कर दिया है, और अपने स्टाफ को वहाँ पे लोन दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टाफ ने वहाँ पे इस फैसिलिटी को एंजॉय भी किया है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं, ये पैराडाइज की स्टेबिलिटी में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। स्टेट बैंक का वहाँ पे इन दो प्रिसेंट्स में लोन अप्रूव करना, फिर लोगों का वहाँ पे लोन लेना, और ज़ाहिर है जब लोन की फैसिलिटी वहाँ पे है तो प्लॉट्स की ट्रेड भी कंपेरेटिवली बेहतर हो रही है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो लोग यहाँ पे लिविंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जब जिससे भी में डेफिनेटली लिविंग स्टार्ट होती है, उसकी प्राइसेस भी स्टेबल हो जाती हैं। फिर जो ये ब्रिज बैरियर बना रहा है, और इससे भी अच्छी खासी इससे के बाद के जो प्रिसेंट है उनकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, लोगों की मूवमेंट इस साइड पर बेहतर हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि पैराडाइज के लिए ये दो तीन चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। हाँ, एक बात और भी है, वो लोग जिनके प्लॉट्स पैराडाइज में बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए थे, तो बैरियर टाउन ने एक इसमें एक एडिशन दिया था कि वो लोग जिनकी 100% पेमेंट हो चुकी है प्लॉट्स के अंदर, उनको ऑन ग्राउंड प्रिसेंट्स में प्लॉट देंगे। तो कुछ दोस्तों को प्लॉट्स प्रिसेंट 51 में उन्होंने नए नंबर दिए थे 500 स्क्वायर यार्ड हाउस के लिए, तो यहाँ पे एक जो कॉर्निवाल का कुछ एरिया था वहाँ पे कुछ एक्सटेंड करके एरिया वहाँ पे काम भी हो रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि उन लोगों को जो बाउंड्रीवाल से बह रहे हैं लेकिन 100% उनकी पेमेंट हो चुकी है, उनको शहरी सीजी में प्लॉट्स भी दे देंगे। इंशाल्लाह पैराडाइज से रिलेटेड जो भी कोई अपडेट्स आएंगी हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।